बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट, अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। भाजपा द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान को लेकर प्रदेश तृणमूल सचिव वी शिवदासन दासू ने तंज कसा है। सुनिए क्या कह रहे हैं तृणमूल नेता। आज सारा पश्चिमबंग जुड़े एक मेगा ड्राइव नेवा हुए छे। सारा पश्चिमबंगे जरा बीजेपी कार्यकर्ता साधारण मानुष तारा रास्ताय नेमे आज के सदस्यता करछे। भारतीय जनता पार्टी मत एकमात्र गणतांत्रिक पार्टी जार माननीय प्रधानमंत्री आगे मेम्बरशिप हो मेम्बरशिप हम क्योंकि चलो ना सेगल सब बातिल नतून करते हैं मेम्बरशिप। कारण आपनी जिज्ञेस करबें क्यों? कारण आमार माननीय प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोले छे जे आमी 2014 थेके जा काज करेछि एई देशेर जोन्नो सेई काजटा देखे मानुष डिसाइड करबे जे मेम्बर हबे कि ना। আপনি ইভ্যালুয়েট করুন, আর যদি আপনার মনে হয় ভালোবেসে হৃদয় থেকে তাহলে আপনি মেম্বারশিপ হন। তাই আজকে এই চিত্রা সিনেমার সামনে আমরা বসে আছি, সমস্ত বিজেপির কার্যকর্তা সাধারণ মানুষ রয়েছে, আমরা সদস্যতা করাচ্ছি। তো বিরোধীর মতে কে বলছে? বিজেপি, বিজেপিও বলছে, কংগ্রেসও কালকে আন্দোলন করেছে। কংগ্রেসের কথা ছেড়ে দিন, কংগ্রেসে কে আছে আমি বুঝতে পারছি না। কংগ্রেসে কি অবস্থা আছে পশ্চিমবঙ্গে আপনি ভালো করে জানেন। বিরোধীরা এই কথা কীরকম বলছি আমি বুঝতে পারছি না। যাকে খারাপ লাগছে না এই কথা বলার জন্য যে পশ্চিমবঙ্গে কথা আজকে বিরোধী বলছেন, মাঙ্গাইয়ের কথা বলছেন পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি। বিজেপিকে পাইলে বোঝার দরকার যে বিজেপি কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্ট 2014 সরকারে আসেছেন, যে কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্ট 2014 সরকারে আসেছেন ও সময় जो भारत वर्ष मत जे जे जिनिस दाम छिलो और आज के यही सरकार 11 बरस हो 10 बरस पार कर कोई जगह नियंत्रण करते पारे छेन सरकार। 2014 तेले की दाम छिलो, 2014 ग्रासन तेले की दाम छिलो, 2014 पेट्रोल डीजेले की दाम छिलो, 2014 চিনির চাউলে কি দাম ছিল, আর 2014 আর আজকে দিন দেখুন মাঙ্গাই মাথাতে বসে আছেন। কি কারণে বসে আছেন? কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্ট মাঙ্গাইকে বাড়াওয়া দিয়েছে, মাঙ্গাই কন্ট্রোল করতে কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্ট পারি নেই। 2014 পাইলেট ও গরিব লোক কীরকম, একটু মাসে আগে 5,000 বি কামাতাম তো সংসার চলে যেতাম। आज के दिन तो गरीब लोग 10,000 कमाचे तो भी बाड़ी चलाते पारछे ना, 20,000 कमाचे तो भी बाड़ी चलाते पारछे ना, महंगाई तो माथाते बसे आछे। तो स्टेट गवर्नमेंट हाथ नहीं, जार मते परसेंटेज आपनी देखबेन जो तेले दाम बढ़बेन, अपनी डीजल और पेट्रोल दाम बढ़बेन तो महंगाई यही रकम बेड़े जाए। तो बीजेपी के पहले बोलो चार केंद्रीय गवर्नमेंट के कथा बोलार जन्य जे नरेंद्र मोदी भारतवर्षे प्राइम मिनिस्टर आछेन, जो देश के चलाचिन जाके बोलो महंगाई थोड़ा कंट्रोल करार जोन। आज पश्चिम बंगाल सरकार पीसफुली चलाचिन, पश्चिम बंगाल मध्य महंगाई एक लिमिट आचिन, सबाई बर्दाश्त करते पारे। हमारा सरकार जाके ध्यान दे देखभाल करे क्यों महंगाई बढ़े, जाके कंट्रोल करार जोन हमार मुख्यमंत्री ममता दी विभिन्न उपाय बार करे। तो केंद्रीय गवर्नमेंट क्यों करा जाके जिज्ञास करते बोलून बीजेपी नेतृत्व के। करंट लगने से पंचायत सदस्य की पत्नी की मौत, जबकि साला घायल हो गया। घटना रविवार सुबह उखड़ा गांव के काकड़ डांगा में हुई। इस घटना से इलाके में शोक छा गया है। गायत्री देवी वर्ष 41 रविवार सुबह करीब 9 बजे घर की सफाई करते समय करंट की चपेट में आ गई। दीदी को बचाने के क्रम में उसका भाई गुड्डू बर्नवाल भी घायल हो गया। दोनों को तुरंत खांदरा प्राथमिक ब्लॉक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने गायत्री देवी को मृत घोषित कर दिया। घायल गुड्डू को इलाज के लिए अंडाल मोड़ के पास एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतका गायत्री देवी उखड़ा
पंचायत सदस्य अनिल बर्नवाल की पत्नी है। पड़ोसियों ने बताया कि छठ पूजा के अवसर पर अनिल के घर में झालर लाइट लगाई गई थी। बिजली का तार आंगन में गिर गया था। गायत्री देवी आंगन की सफाई कर रही थी, इसी दौरान करंट लग गया। আবে কি করো সেটা তো দেখিনি। আপনারা কি দেখলেন এসে? আমি দেখলাম ও কাটটা ধরেছিল লাইনের তার তো আগুন জ্বলছিল হাতে। হাতে? হ্যাঁ। কজনের কারেন্ট লেগেছে? দুজন। কার কার লেগেছে? ভাই বোনের। আর মারা গেছে কে? লালার বোন। আচ্ছা আচ্ছা। ও পঞ্চায়েত সদস্য? হ্যাঁ মেম্বার। কি নাম আপনার? আয়েশা বিবি। पश्चिम बर्धवान जिले के अंडाल थाना क्षेत्र के सिदली बिन पाड़ा इलाके में एक कुआं फिर से धस गया। इसल के खिलाफ अलग अलग जगहों से शिकायत आ रही है कि खदान में ठीक से बालू नहीं भरा जा रहा है, जिस वजह से कुएं ये तालाब धसने का शिकार हो रहा है। तो सवाल ये है कि आखिर ये बालू कहाँ जा रही है? अरबों रुपए खर्च करने के बाद भी उन सभी इलाकों में बालू ठीक से क्यों नहीं भरा जा रहा है? सवाल ये उठता है कि क्या यहाँ पर घोटाले बासों का कोई गिरोह काम कर रहा है, जिसके कारण लाखों लोगों की जिंदगी दांव पर है। तो अनेक दिन কুয়োটা এবার কুয়োটা তো একটা ইয়ে থাকে, মাটি নরম হয়েছে, নরম হওয়ার পর বৃষ্টি হয়েছে, মাটি নরম হয়েছে, নরম হওয়ার জন্যই ধুতে গেছে। তারপর গাছ আছে, গাছের শিকড়গুলো যে প্লাস্টারটা ছিল সামনের প্রথম রাউন্ডে যে প্লাস্টারটা থাকে সেই প্লাস্টারটা নরম করে দিয়েছে আর প্লাস্টারটাকে ভেঙে দিয়েছে গাছের শিকড়ে, যার জন্য এটা ধুতে গেছে। बाराबनी ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस की तरफ से स्वर्गीय मनिक उपाध्याय और स्वर्गीय पप्पू उपाध्याय मेमोरियल फुटबॉल प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। इस प्रतियोगिता में बंगाल ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों से भी टीमें शामिल हुई है। बाराबनी विधायक तथा आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष असित सिंह सहित इस क्षेत्र के तमाम टीएमसी नेता और कार्यकर्ता समर्थक उपस्थित थे। इस दौरान स्वर्गीय मनिक उपाध्याय और पप्पू उपाध्याय की तस्वीरों पर माल्यार्पण किया, बलून उड़ाकर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर विधान उपाध्याय ने कहा कि आज भी लोगों ने स्वर्गीय मनिक उपाध्याय और पप्पू उपाध्याय को याद रखा है, यही बहुत बड़ी बात है। इससे साबित होता है कि उन लोगों ने जो कार्य लोगों के लिए किया है वो लोगों के दिलों में है। এমএলএ সহযোগিতা আমরা সবসময় চেষ্টা করেছি যাতে খেলার মান দিনের পর দিন বৃদ্ধি পায় এবং আমরা চেষ্টা করি যে বারাবণীতে মানুষ আমাদের গ্রামাঞ্চল মানুষ সব কালী পুজো বলুন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা সবই যাতে দেখতে পায়। ধীরে ধীরে এই প্রতিযোগিতা আপনি জাতীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় পরিণত করছেন, বিভিন্ন রাজ্য থেকে দল আসছেন, এই যে ইন্সপিরেশনটা কোথা থেকে পাচ্ছেন? না এমএলএ বলে যে প্রতি বছর আমাদেরকে খেলার মান বাড়াতে হবে, আমরা চেষ্টা করেছি অন্যান্য স্টেটের সঙ্গে যোগাযোগ করে, অন্যান্য স্টেটের টিমও অনেক আসছে, এবার উড়িষ্যা আসছে। सलानपुर थाना क्षेत्र के रूप नारायणपुर फाड़ी अंतर्गत जीतपुर पंचायत के कुसुम कनाली मोड़ पर सड़क के किनारे बिजली तार टूट कर गिर गई। इस घटना में राहगीर एक बड़ी सड़क दुर्घटना से बाल बाल बच गया। घटना शनिवार रात करीब 10 बजे की है। रात 10 बजे गोरांडी से रूप नारायणपुर जाने के दौरान कुसुम कनाली मोड़ पर एक ओवरलोड ट्रक ने बिजली के खंभे को टक्कर मार दी, जिससे एक बिजली का खंभा और तार टूटकर जमीन पर गिर गया। रात होने के कारण सड़क पर कोई यात्री नहीं था। सुबह जब बिजली विभाग का कोई अधिकारी नहीं आया तो स्थानीय लोग विरोध में उतर आए और सड़क जाम कर दी। स्थानीय लोगों की शिकायत थी कि इस सड़क पर दिन और रात में ओवरलोडेड गाड़ियां आती जाती रहती है, जिसके चलते बीती रात सड़क पर बिजली का तार टूट गया था। पुलिस और बिजली भाग के लोग देखने आए लेकिन उन्होंने कोई पहल नहीं की, इसलिए सड़क पर बिजली का तार गिरा रहा। किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता था। सड़क जाम के करीब 3 घंटे बाद बिजली कर्मियों की नजर पड़ी। उन्होंने टूटे हुए बिजली के पोल को बदल कर नए पोल लगाए और सड़क पर पड़े बिजली के तारों को दुरुस्त किया, तब जाकर स्थानीय लोगों ने सड़क जाम हटाया। রাত 4:30 সময় লোডা ওভারলোড গাড়ি ছিল একটা ট্রাক, আমরা চেঁচামেচি করা সত্ত্বেও শুনে নাই, উপর থেকে তারের উপর দিয়ে চলে গেছে, গাড়ি তার ছিঁড়ে দিয়েছে, পোলটা ভেঙে গেছে,
তো এখন কি তারে লাইন রয়েছে এখনো? তার এখনো লাইন আছে, তখনও লাইন ছিল। আচ্ছা, তো ইলেকট্রিক অফিসে জানানো হয়েছে? ইলেকট্রিক গাড়ি এসেছিল, পুলিশ গাড়ি এসেছিল, কিছু গাড়ি আমরা আটকে, এখনো কাজ হয়েছে? এখনো কোনো কাজ হয় নাই। তো রাস্তা কোনো জ্যাম হয়েছে? রাস্তা জ্যাম হয়েছে। ঘটনাটা কোথায় ঘটেছে? এটা ঘটনাটা কুসুমকানালি মোড়ে, এখানে কুসুমকানালি মোড়ে। अंडाल के खांद्रा में यात्रा प्रचार गाड़ी अंडाल के सिदली रेलगेट इलाके में पहुंचा तो यात्रा प्रचारकों ने आरोप लगाया कि कुछ शराबियों ने उन पर हमला किया। रविवार दोपहर 3 बजे गाड़ी में सवार कुछ लोग अंडाल के खांद्रा के यात्रा का प्रचार करने के लिए इलाके में प्रचार कर रहे थे। जैसे ही प्रचार गाड़ी सुदली रेलवे फाटक पर पहुंची तो कुछ लोग आए और बिना पैसे के टिकट देने का दबाव बनाने लगे। टिकट देने से इनकार करने पर प्रचार वाहन में सवार लोगों को कथित तौर पर बुरी तरह पीटा गया। यात्रा के प्रचार वाहन में सवार शंभु बौरी, श्रीकांत धीबर और चंदन बख्शी ने बताया कि अचानक कुछ शराबी युवक उनके प्रचार वाहन के पास आए और बिना पैसे टिकट की मांग कर धमकी देने लगे। इसके साथ ही बहस होने लगी, तभी अचानक उन लोगों पर टूट पड़े और कथित तौर पर उनकी पिटाई कर दी। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बनबहाल फाड़ी की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। गाड़ी नहीं जाच्छिलाम, यात्रा प्रचार जाच्छिलाम, 4-5 जना ऐसे मतम सामने के आगे की गाड़ी जाए, हमारा बोले कि की होलो ये गाड़ी दे दो ना, ये गाड़ी दे दो ना, केना कुछ ना हमारे टिकट दे, हमारे अपना एडी साइड है तो इस दिन आगे ताओ कुछ टिकट दो ना, हमारे जैसे दो ना जो नहीं सौ रुपये जो भी है हमारे एक श्रीकान्त दीपोर बोले गेट खुले नाम है उन्हीं बोलें जे কি হয়েছে আমাদের ওই যে ওই নিয়ে মারামারি আমাকে একটা জলের বেশি করে। কোথায় ঘটনাটা কোথায় হয়েছে? সিদ্ধিপুর রেলগেটের সামনে। সিদ্ধি রেলগেটের সামনে? আচ্ছা, কোথাকার লোক ছিল? রেল লাইনে ছিলেন। তোমার নাম কি? আমার নাম শম্ভু বাবা। কালচারাল অ্যান্ড লিটারেরি फॉर्म ऑफ बंगाल की तरफ से आज आसनसोल के माँ घाघरबुड़ी मंदिर प्रांगण में मिलन समारोह बैठकी अड्डा कार्यक्रम का आयोजन पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी के नेतृत्व में किया गया, जिसमें आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों के अलावा कोलकाता से भी कई साहित्यकार गायक आए थे और उन्होंने अपनी अपनी कविताएँ और गीत प्रस्तुत किया। यहाँ पर सभी का मुंह मीठा कराया गया। इस बारे में आयोजन से जुड़े प्रीतम दास ने बताया कि हर साल त्योहारों का मौसम बीत जाने के बाद उनकी संस्था की तरफ से इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें एक सांस्कृतिक माहौल की रचना की जाती है। यहाँ पर आसनसोल और आसपास के क्षेत्र के अलावा कोलकाता से भी कई साहित्यकार और गायक आए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर रविवार सुबह और दोपहर 2 सड़क हादसे हुए। मछली से लदा एक खाली ट्रक और पिकअप वैन दुर्घटनाग्रस्त हो गए। घटना रविवार दोपहर आसनसोल के कुल्टी थाना क्षेत्र के चौरंगी फाड़ी अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 पर रामपुर MVI चेक पोस्ट से सटे इलाके में हुई। घटना में पिकअप वैन के चालक खलासी समेत 3 लोग घायल हो गए। एक अन्य दुर्घटना में एक 4-पहिया वाहन हादसे का शिकार हुआ। ये घटना रविवार सुबह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 पर दामागोड़िया रेल ब्रिज पर हुई। इस घटना में एक दंपति और उनका बच्चा घायल हो गए। ये एक द्रुत गति से खाली लॉरी ओदिक থেকে আসছিল, মানে কলকাতা টু বিহার দিকে যাচ্ছিল। এখানে এই চৌরঙ্গি থেকে সামনে লজবনপুর ভেতরে ফ্যাক্টরি আছে, সেই ফ্যাক্টরিতে লোড করার জন্য আর পাশে তার এই পিকআপটা যাচ্ছিল। মাছ ভর্তি বা কিছু ছিল, মাছ ভর্তি ছিল, এখন দেখলাম এসে হঠাৎ সেটা ব্রেক ফেল করেছে বা কোনো একটা ঘটনা ঘটেছে, ও ঠিক সামলাতে পারেনি, এসে ঘুরতে গেছে, আবার পিকআপটি তার পাশে ছিল, তার উপরে চেপে দিয়েছে এবং চেপে পড়ে আবার ডিভাইডার দুটোকে নিয়ে চলে গেছে। এখন এই আমাদের মেটাডোর যেটা দেখছেন সেটাতে 3 জন ছিল, তারা হতাহত এখনও পর্যন্ত কোনো মারা যাবার খবর নেই, কিন্তু উন্ডেড হয়ে আছে। তাদেরকে সাথে সাথে আমাদের পুলটিফাড়ি চৌরঙ্গির পুলিশের তৎপরতা তারা এসে দ্রুত তাদেরকে উদ্ধার করে এখন সরকারি হসপিটাল নিয়ে গেছে, সেখানে চিকিৎসাধীন আছে। দেখা যাক, এখন পর্যন্ত কোনো রিপোর্ট পাওয়া যায়নি। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।